नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की महंगाई का एक और झटका, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, जाने क्या है अब नया रेट। आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच में आम आदमी को एक और झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है और ये बढ़ोतरी 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर की गई है। इसकी कीमत में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया है। प्रदेश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1053 रुपए हो गए हैं। इसके अलावा 5 किलो वाले छोटे घरेलू सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं और इस बढ़ोतरी के बाद जयपुर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 1057 रुपए का मिलेगा। वहीं लखनऊ में ये सिलेंडर 1091 रुपए का हो गया है। मुंबई में अब इसकी कीमत 1053 रुपए हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन, बीच सड़क में भाषण के दौरान मारी गई थी गोली। आपको बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली लगने से मौत हो गई है। नारा शहर में उन पर एक आदमी ने पीछे से गोली चला दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे पर जब ये हमला हुआ तब ये एक छोटी सी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर गहरा शोक जताया है और कहा है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जापान और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में समर्पित कर दिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर के, उद्धव ठाकरे गुट एक बार फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल के फैसले को दी है चुनौती। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट ने राज्यपाल भगत सिंह किशोरी के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे कैंप ने सर्वोच्च न्यायालय में एक और याचिका दाखिल की है। इसमें गवर्नर के निमंत्रण को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि 30 जून को महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अपने फैसले में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, कोरोना के आज फिर 18,000 से ऊपर मामले, 24 घंटे में 38 लोगों की मौत। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,815 नए मामले सामने आ गए हैं, जबकि उपचाराधीन रोगियों की तादाद 1,22,335 तक पहुंच गई है और इसी बीच 38 और संक्रमितों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, इस दिन किसानों के खाते में ट्रांसफर होगा 2,000 रुपए, जान ले तारीख। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त किसानों को दे दी गई है। अब 12वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 मई को किसानों के खाते में 11वीं किस्त के 2,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। उसके बाद केवाईसी की अंतिम तारीख फिर बढ़ा दी गई, लेकिन अब 12वीं किस्त कब आएगी इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 2,000 रुपए 3 किस्तों में देती है। कुल 6,000 रुपए सरकार की तरफ से किसानों को दिए जाते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का इंतजार सभी किसानों को है। इसके 2,000 रुपए खाते में अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय के सूत्रों को जानकारी की उम्मीद है कि 12वीं किस्त सरकार 1 सितंबर को देश भर के किसानों को उनके खाते में ट्रांसफर कर सकती है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने केवाईसी की आखिरी तारीख भी अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। जानकारी तो ये मिली है कि 31 जुलाई के बाद ई केवाईसी की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, वंदे भारत को लेकर रेल मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी खबर यात्रियों को खुश करने वाली है। वर्ष 2019 में लॉन्च की गई दो वंदे भारत ट्रेनों ने अब तक 14 लाख किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और अपनी गति से यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन भी बन गई है। अगले महीने यानी कि अगस्त में वंदे भारत का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च होने जा रहा है और इस खबर का ऐलान खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार चाहती है कि 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगे। ऐसी स्थिति में अगस्त महीने में ट्रेन के दो अपग्रेडेड वर्जन आ रहे हैं, उसके बाद महीने में 5 से 6 वंदे भारत ट्रेन लाया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, मदर डेयरी ने खाने के तेल के एमआरपी में की भारी कटौती, 14 रुपए प्रति लीटर तक घटाया दाम। आपको बता दें कि आम आदमी को महंगाई के वक्त में राहत देने के लिए दिल्ली एनसीआर में दूध के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक मदर डेयरी ने बड़ा कदम उठाया है। डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी मदर डेयरी ने सोयाबीन राइस ब्रान यानी कि चावल की भूसी के तेल अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी में भारी कटौती की है। मदर डेयरी ने तेल की कीमतों में 14 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वे एक ही ब्रांड के खाद्य तेल के लिए
पूरे देश में समान MRP रखे। साथ ही सरकार ने तेल कंपनियों से कहा है कि खाने के तेल के पैकेट में प्रिंट किए गए वजन की तुलना में कम मात्रा मिलने की उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण करे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन ने दोबारा कब्जे में लिए गए स्केन आइलैंड पर फहराया झंडा। रूस ने हमले में कीव सैनिकों के मारने का किया दावा। आपको बता दें कि यूक्रेनी सैनिकों ने काला सागर के करीब दोबारा कब्जे में लिए गए अपने स्केन आइलैंड पर अपना देश का झंडा फहरा दिया है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसने अपने हमले में झंडा फहराने वाले यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया है। पूर्वी यूक्रेन में भी रूसी सैनिकों को नए लक्ष्य को निशाना बनाने में कामयाबी मिल रही है। समाचार एजेंसी राइटर की माने तो स्नेक आइलैंड यूक्रेन के ओडेसा तट से करीबन 140 किलोमीटर दूर है और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। ये समुद्री मार्गों की सुरक्षा भी करता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद जो बाइडेन ने दिया बड़ा बयान, कहा कि दोनों देश मिलकर कई मुद्दों पर एक साथ काम करना रखेंगे जारी। आपको बता दें कि ब्रिटेन की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चल रहे नाटकीय घटनाक्रम का उस समय अंत हो गया जब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने त्यागपत्र देने की घोषणा की। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बोरिस जॉनसन ने इस्तीफे की खबर दी, वहीं रूस ने खुशी जाहिर की है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कह दिया कि बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की घोषणा के बाद यूनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ निकट सहयोग जारी रखेंगे। और उन्होंने अपने बयान में कहा कि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे करीबी दोस्त हैं और सहयोगी भी हैं। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के बीच में काफी संबंध है और दोनों देश घनिष्ठ मित्र भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन कई मुद्दों पर एक साथ काम करना जारी रखेंगे, जिसमें यूक्रेन का समर्थन करते रहना भी शामिल है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाएगा फिनलैंड, रूस की धमकी, पश्चिम ने की हिमाकत तो खतरे में पड़ जाएगी मानवता। आपको बता दें कि फिनलैंड की संसद ने रूस से लगती सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दिया है। और दूसरी तरफ रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने चेताया है कि यूक्रेन पर हमले के लिए अगर पश्चिमी देशों ने परमाणु शक्ति संपन्न उनके देश को सजा देने का प्रयास किया तो मानवता खतरे में पड़ जाएगी। करीबन 5 महीने से चल रहे युद्ध में शहर मलबे में तब्दील हो चुका है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन पर 24 फरवरी को रूस ने हमला किया था, जो अभी भी जारी है। यूक्रेन पर रूसी हमले ने रूस और पश्चिमी देशों के संबंध में खटास लेकर आया है। वहीं आपको बता दें कि जो बाइडेन ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी करार दिया है। यूक्रेन को हथियार उपलब्ध करवा रहे पश्चिमी देश और रूस लगातार चेतावनी दे रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि MP, छत्तीसगढ़ और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में होने वाली है भारी बारिश, जारी हुआ है अलर्ट। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCR में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। बीते हफ्ते बारिश के बाद दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया था। बारिश न होने की वजह से दिल्ली का तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान की माने तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान 10 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग की माने तो मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें 10 जुलाई तक मुंबई और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। यहीं तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।